हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए। तो हिंदी का जो अभी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हिंदी के विषय का ये छात्र उपयोगी सहायक सामग्री दी गई थी सभी बच्चों को। तो केंद्रीय विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उनको ये वाली सामग्री दी गई थी। तो इसके अंदर दो सैंपल पेपर हैं, और आपको जो सैंपल पेपर दिए गए हैं वो हैं, और इसमें ब्लूप्रिंट भी दिया गया है, और उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको ये आए हैं। आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट में अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश, वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्य पाठों से प्रश्न, गद्यांश पर अर्थ ग्रहण के प्रश्न, पद्यांश पाठों से प्रश्न, पूरक पुस्तिका, यानी आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो बुक है, और पूरक पुस्तिका में से जितने भी प्रश्न हैं वो, और निबंध पत्र और विज्ञापन। विज्ञापन 5 मार्क्स का होता है, इसमें आपको मार्क्स इजीली मिल जाते हैं अगर आप विज्ञापन अच्छे से बनाते हो तो। तो ये है ब्लूप्रिंट अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 10th बोर्ड्स का। ये इसके बाद आपका ये सैम्पल पेपर है, इसको आप सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सैम्पल पेपर का फर्स्ट खंड का, फिर ये प्रश्न है, आपको यहाँ पे निर्देशक अनुसार उत्तर लिखने हैं। फिर खंड ग है, ये पठित गद्यांश है शायद, हाँ, तो इसके आधारित प्रश्न। फिर यहाँ पे जो काव्य खंड होता है ये आप देख सकते हो ये, और कविता पे आधारित प्रश्न है, और अभी है हिंदी का। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये एक तरह से बोर्ड का जो हिंदी का पेपर मैंने डाला है आपको, आप देखना, उस पेपर की तरह ही बनाया गया है। और इसमें कुछ जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो बोर्ड्स में आए हैं, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ये आपको ऑप्शन होगा, या तो आप ये कविता को पढ़ के उत्तर दो, या तो गद्यांश को पढ़ के उत्तर दो। इसके बाद है ये खंड ख, जिसमें आपको व्याकरण के प्रश्न हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर सॉल्व करो, ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। और मैं इस तरह के जो प्रश्न व्याकरण के, वो मैं प्रश्न आपको ज़रूर दूंगी, क्योंकि इनमें से ही एक दो पूछे गए हैं बोर्ड्स के 10th में, अभी जो हुआ था वो 2020 का। और हाँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे निम्नलिखित जो भी, ये आपने जो काव्यांश है उसको पढ़कर, ये वाली जो काव्यांश है इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं, परशुराम वाली जो काव्यांश है ये, ठीक है। इससे पहले आपको पठित गद्यांश है वो है, और ये है आपको जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, देखो ये आपका जो कोई भी पाठ होता है उसके आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं और उनको लिखना होता है। इन दोनों में ऑप्शन है आपको, और ये देखो ये 12th क्वेश्चन है, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। और ये अच्छा, इसमें आपको है विज्ञापन यहाँ और यहाँ पे, तो आप जो विज्ञापन लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।
और अगर आपको और भी सैम्पल पेपर्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप सिर्फ कमेंट कर दो और आपको जो भी सैम्पल पेपर, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, मैं मिल जाएगा वीडियो में इसमें।